क्लास 10 सर्विस, तो इसमें अपन जो कंटिन्यू इसको अपन देखते हैं, तो इसमें ऐसे केसेस हैं थोड़ा सा क्या समझते हैं, ऐसे मतलब जब घर में अपन विनेगर सुनते हैं विनेगर या ऐसे है और बेकिंग सोडा जो सुनते हैं अपन बेस, अब ऐसे बेसिस लीक होते हैं ठीक है, जो घर में जो विनेगर है ऐसे बेकिंग सोडा जो है अपना बेस, दोनों के टेस्ट अलग अलग है, दोनों के टेस्ट अलग अलग है, आप आराम से बता सकते हो विनेगर सुनता है और बेकिंग सोडा बन सकता है, तो यही है चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट क्या होगा, घर में नमक भी खाया होगा NaCl, तो दिस इज सॉल्ट, वैसे अब एसिड एंड बेसिस से मिलाने से और हाइड्रोजन से मिलाने से तो उनका सॉल्ट बनता है, मुझे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला यह है विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ बाय चूजिंग द रेमेडी, शॉर्टली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज फॉर द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसमें सब हम जो देखते हैं इसमें लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, इस पैराग्राफ में लिखा है कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, अब लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस के लिटमस पेपर जो होता है पेपर होता है लिटमस पेपर, उस पेपर पे उस पेपर को अगर अपन अगर अपन रेड पेपर को फर्स्ट लाइन पढ़िया उसमें लिखा है ऑलरेडी नोटेड एसिड दैट सोर्स इन सोर्स इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, अगर ऐसे का जो टेस्ट होता है वो मेरे तो सोर होता है सोर थोड़ा खट्टा सिले का टेस्ट होता है, और उसके बाद अगर उसका अगर अपन ब्लू लिटमस में डाले ब्लू लिटमस पेपर पर उसको डाले ऐसे को तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ये प्रॉपर्टी है एसिड की ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, वैसे वे द बेसिस आर बीटर एंड चेंज कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू, वहीं अगर बेसिस की बात कर रहे हैं तो वो थोड़े से बीटर है टेस्ट में और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस इज तो लिटमस क्या रहेंगे, तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब इसी में एक अपनी हल्दी भी आती है, हल्दी क्यों आती है क्योंकि हल्दी जब अपने कपड़े में गिर जाती है उसको अपन अगर धोते हैं तो वॉश करते हैं तो सोप जो होता है जो सोप होता है उससे जिससे अगर लगता है तो उसको रेडिश ब्राउन कलर आता है, रेडिश ब्राउन कलर क्यों आता है क्योंकि जो अपना जो सोप है वो एक बेस है, वहीं पर जो टर्मरिक है वो अपना एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर मतलब टर्मरिक मतलब हल्दी जो अपना है नेचुरल इंडिकेटर है जो इसको रेडिश ब्राउन कलर कन्वर्ट करता है। अब उसके नीचे हम देखते हैं कि इसमें यही लिखा हुआ है विच इज बेसिक नेचर, जो सोप है वो बेसिक नेचर है, और जैसे कि अगर हम सोप को धो देते हैं अच्छे से रगड़ में निकाल देते हैं अपनी शर्ट शर्ट में से तो वापस येलो हो जाता है, तो दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर प्रॉपर्टी, मतलब अगर बेस जब तक है तब तक तो वो कलर चेंज करेगा, लेकिन जैसे बेस हटा दिया तो वैसे अपना कलर रिटेन कर लेगा, तो ऐसा एक और नमकीन नाम का कलर और मिथाइल ऑर्गेनिज्म, ये भी एसिड एंड बेसिस को पता लगाने का काम आता है। फिर लिटमस सॉल्यूशन इज अ परफेक्ट डाई, लिटमस सॉल्यूशन जो है वो परफेक्ट डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिथेन, जो लिथेन नाम का एक प्लांट है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब प्लांट कमिंग इन द डिवीजन हेलो करेगा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इन पर्पल, लिटमस का जो लिटमस सॉल्यूशन में कलर है वो इज पर्पल, ग्राफ के अगर पर्पल कलर का होता है देन मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कार्बेट लीव्स टर्मरिक कलर पिगमेंट्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया पिटूटरी एंड रेनियम व्हिच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस इन द सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स एंड समटाइम्स लिथेन इंडिकेटर्स, मतलब हाइड्रेंजिया पिटूटरी एंड रेनियम ये जो जो है ये जो पेटल फ्लावर्स में पेटल्स होते हैं पिटूस मतलब फ्लावर पत्तियां होती है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करती है, तो अपने ये जो चित्र लिखे हैं देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कार्बेज लीव्स टर्मरिक कलर पैटर्न्स, ये सब नाम आपको याद रखना चाहिए, पूछ लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर के नाम बताइए, तो दिस इज अदर नेचुरल इंडिकेटर, जैसे जो लिटमस पेपर था लिटमस सॉल्यूशन था वैसे ही सब फॉर्मेसी होता है। आगे बढ़ते हैं एसिड बेस इन द लैबोरेटरी, अब लैबोरेटरी में क्या क्या प्रेजेंट होता है बात कर लेते हैं, तो ऊपर लिखे तो लिखा हुआ है HCl H2SO4 नाइट्रिक एसिड एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला लिखे CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखे NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखे COH2, मतलब जितने फॉर्मूले यहां पर लिखे गए हैं ये अपने बेसिक अपने जो प्रेजेंट होते हैं लैब में ये सारे लिखे हैं और इन सबके फॉर्मूले आपको याद रहते हैं, अगर याद होंगे तो आप प्रोडक्ट लिख पाएंगे पहचान पाएंगे कौन से फॉर्मूले किसके हैं, सो दिस ऑल आर एसिड्स, दिस ऑल आर नॉट एसिड्स, एच सी
CH3COH ये सारे जो है ये ऊपर साफ है इज अ एसिड. फिर NaOH COH twice KOH MgOH twice and nitrogen NH4OH दिस आर हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड व्हिच आर बेसिस. हां इसे देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का आपको नाम है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड तो दिस इज आल्सो हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का भी हाइड्रोक्सिल इशू होता है. एसिडिक एसिड दिस इज अ कॉमन नेम ऑफ CH3COH कॉमन नेम ऑफ एसिडिक एसिड इसका नाम से हाइड्रोक्सिल इशू होता है. साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर NaOH तो दिस इज हाइड्रोक्साइड OH पार्ट इज हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब मैंने जो बोले नीचे के OH वाले पार्ट बोले मतलब ये जो सारे हैं ये अपने हैं बेसिस मतलब हाइड्रोक्साइड अगर है हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन अगर है OH नेगेटिव आयन अगर उसमें है तो दिस आर बेसिस. वहीं पर अगर हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HRB सल्फ्यूरिक एसिड में HRB नाइट्रिक एसिड में HRB एक एसिडिक एसिड है CH3COOH एच पीछे जो कि OH पर लिखता है लेकिन इसका फॉर्मेशन अलग है. ये CH3COOH नेगेटिव है H पॉजिटिव तो दिस इज ऑल्सो एसिडिक एसिड मतलब जिसमें H आगे होते हैं वो तो सारे एसिड है ही लेकिन कुछ कुछ के आपको स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे जिससे पता लगा कि वो एसिड है लेकिन बाकी सारे जो होंगे जिसमें OH लास्ट में होगा वो अपने हाइड्रोक्साइड होगी या फिर बेस की तरह ये सब ब्लू प्रिंट में सॉल्यूशन है फिर आपके लिंक पर कलर चेंज करेंगे तो यही लिखा हुआ है इस टॉपिक में. फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं हाउ टू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स. हाँ एक और चीज वेनिला ऑनियन क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. जो वेनिला ऑनियन क्लोव है ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी तो देखिए यहां पर डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्या डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर हमने डाली है जिंक ग्रैनुल्स. इससे डिजाइन में जिंक जिंक ग्रैनुल्स अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक जिंक ग्रैनुल्स तो Zn प्लस H2SO4 का रिएक्शन होता है. ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है तो इन सब का हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और ये कॉर्क लगा हुआ है जिसके कारण सिर्फ गैस जो है ट्यूब में से पास होगी ट्यूब में से नीचे आती है और रिएक्शन ऑफ जिंक मतलब मैटर विद सल्फ्यूरिक एसिड एसिड जिंक प्लस एसिड गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. तो उसके बाद ये रिएक्शन है ये एसिडेशन होती है. तो इन्होंने इसका बेसिक क्या है बेसिक क्या होगी एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ये याद होना चाहिए कुछ याद होना हो ये भी याद होना चाहिए एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल भी लिखने वाला है एग्जाम्पल लिखने वाला था जो भी अपना एग्जाम्पल पढ़ा Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2S तो वो उसका एग्जाम्पल हो गया. वहीं पर अपन आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं रिएक्शन यू ऑब्जर्व ये रिएक्शन किस पर लिखने बोला है अपन यहां लिखते हैं Zn जिस एसिड के लिए अपन लिखते हैं अपन H2SO4 मेटल के लिए लिखेंगे Zn तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 सॉल्ट जो होगा वो ZnSO4 क्योंकि एसिड में जो SO4 पार्ट था वो इसका कन्वर्ट कर रहा है मेटल के Zn के साथ में तो Zn प्लस SO4 सॉल्ट क्रिएट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही है H2 गैस बाहर निकल जाएगी. तो ये होगी वो रिएक्शन की एसिड प्लस मेटल वाली. वैसे हम एसिड प्लस बेस प्लस मेटल रिएक्शन यहां पर रिएक्शन बेस प्लस कैन रिटर्न एज फॉलोस NaOH फोर ट्वाइस मतलब अगर NaOH और Zn को मिला दिया जाए तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट ध्यान रखिएगा ZnO2 इज अ जिंकेट ZnO2 इज जिंकेट मतलब एक एसिड अगर बेस की रिएक्शन अगर मेटल के साथ में हो रही है तो एक सॉल्ट क्रिएट हो रहा है Na2ZnO2 प्लस H2 मतलब सॉल्ट प्लस गैस की इवॉल्व हो रही है H2 गैस. हां अब जो ये सॉल्ट जो ये
क्रिएट हुआ है, जो सॉल्ट क्रिएट हुआ है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, Na2ZnO2 इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें भी तो हाइड्रोजन गैस ही मिली, तो ये अभी रिएक्शन हो गई एसिड एंड बेसिस की मेटल के साथ में। अब एक और अगली रिएक्शन है, हाउ टू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स गैस एंड एसिड। यहाँ पर फिर से अपन ने कोई कुछ करना है, दो चीजों चीजें लेनी है, एक लिखा हुआ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल के साथ में CO3 जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा CO3, तो दिस इज मेटल कार्बोनेट, और HCO3 जुड़ा हो तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड करते CO2, तो कार्बोनेट होगा CO3, वही हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा HCO3, मतलब लास्ट में अगर आपको CO3 मिल जाए तो आपसे कहते हैं कार्बोनेट, अगर हाइड्रोजन HCO3 मिल जाए तो आपसे कहते हैं दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसकी रिएक्शन दी हुई है, उसकी रिएक्शन में मैंने ये लिखा है टेस्ट ट्यूब ए, जो टेस्ट ट्यूब ए है अपनी, जो टेस्ट ट्यूब ए है इसके अंदर Na2CO3 प्लस 2HCl, मतलब एक तो सोडियम कार्बोनेट डाला है, सोडियम कार्बोनेट डाला है प्लस HCl डाला, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl डाला, तो उसको क्या क्या मिला, उनको एक CO2 गैस मिली, एक वाटर मिला एंड एक सॉल्ट मिला, मतलब जो सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं HCl के साथ डालता हूँ, यहाँ पर दोनों चीजें मिक्स करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट को मेटलिक फॉर्म मिलेगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जैसे सॉल्ट एसिड, तो एसिड प्लस कार्बोनेट मिलाने पर यहाँ पर पहले तो CO2 इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और CO2 पता ही होगा CO2 इवॉल्व हो रही है, तो उससे सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH होल्ड पर ऐसे सॉल्यूशन, मतलब लाइन के सॉल्यूशन में पास करेंगे, लाइन के सॉल्यूशन पास करते हैं, तो अगर CO2 पास हो रही होगी लाइन में तो PPT जमा हो जाती, अपन ने पढ़ा था कि लाइन के साथ में अगर CO2 मिल जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट PPT के फॉर्म में जमा हो जाएगा और अपन को पता लग जाएगा कि ये जो रिएक्शन लाइन सॉल्यूशन जो है इसमें PPT फॉर्मेशन हो जाएगा, तो पता लग जाएगा कि इसमें CO2 इवॉल्व हो रही है, मतलब अगर हम पता लगाना है कि किसी रिएक्शन में CO2 इवॉल्व हो रही है तो हम उस रिएक्शन में CO2 को सीधा लाइन में पास कर देंगे और देखेंगे कि लाइन जो है वो पीपीटी में कन्वर्ट प्रेसिपिटेट में फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ, अगर होता है तो पता चलेगा कि इसमें CO2 रिलीज हुई है। तो यहाँ पर जब सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है तो एक तो यहाँ पर NaCl, मतलब जो घर में सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो NaCl होता है, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, वाटर तो इसके अंदर मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है, वाटर मिल जाएगा, और जो CO2 गैस है वो यहाँ से पास होकर लाइन में पास कर रहे हैं, लाइन इसलिए पास कर रहा है CO2H लाइन, इसको लाइन कहते हैं, अगर लाइन में इसलिए पास कर रहे हैं कि पता चल जाए कि CO2 गैस इवॉल्व हुई भी है कि नहीं हुई है, तो यहाँ से हम पास करेंगे, जैसे कि यहाँ प्रेसिपिटेट होना चल जाएगा लास्ट में एंड समय पर, तो पता चल जाएगा कि HCl गैस पास है, तो वही लिखा हुआ देखिए, पहले तो Na2CO3 के HCl पर रिएक्शन करें तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 मिला, वही NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन आई HCl के साथ में तो भी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 मिला, मतलब समझ लेते हैं मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए इन्होंने ये लिखा यहां पर अगले लेवल पर ये लिखा है कि CH होल्ड बाय द लाइन, इसी को लाइन वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं लाइन वाटर, जो ये जो लिया है इन्होंने लाइन वाटर लिया है, उसके अंदर CO2 गैस पास होती है, उसके अंदर उनका जो CO2 गैस पास होती है तो CO3 जो कि सॉलिड है एस पर सॉलिड बनाता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में जम जाता है नीचे की तरफ, CO2 पास हुई लाइन में तो यहाँ पर CO2 जो होगा वो H2O से एक तो पानी बन जाएगा, ये पानी बनना शुरू हो जाएगा और जो है एक प्रेसिपिटेट सरीका नीचे तक बन जाएगा, तो दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट CO के एंड प्लस H2O, तो ये थी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और सी। तो देखिए हाँ अब यही रिएक्शन है उसी रिएक्शन में अगर यहाँ पर यहाँ पर जो CO2 जो आ रही है ये बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 प्रेजेंट होगी तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन होगी, जो अभी हमने ऊपर रिएक्शन में क्या हुआ था कार्बोनेट में CaCl3 प्रेसिपिटेट जम गया, लेकिन अगर CO2 और पास में लग गई तो CaCl3 प्लस H2 भी बना था, उधर CaCl3 प्लस H2 बन गया है ऑलरेडी बनते जा रहा है, उसमें वो CO2 एक्सेस CO2 में मिल जाए तो CaSCO3 होल्ड वाइज फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा विच इज सॉल्युबल इन वाटर, मतलब रिएक्शन में एक
कम से पहले तो आपको देखेगा कि सॉलिड बन गया नीचे जम गया और फिर थोड़ी देर में वो सॉल्यूशन जो सॉलिड होगा वो आपका पानी में घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा? क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगी कलर चेंज क्या नहीं होगा
सिमिलर में आस्था से गाते गए तो जो कॉपर ऑक्साइड CuO की जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में होने लगी। तो उससे क्या हुआ, एक तो हाइड्रो ऑक्साइड था, एक हाइड्रोजन क्लोराइड था, ऐसे था, तो उससे एक तो सॉल्ट बन गया, मतलब CuCl जो सॉल्ट है वो तो कन्वर्ट हो गया CuCl2, जो CuCl2 जो सॉल्ट है वो एक बन गया और पानी भी बन गया। अब इसमें देखिए इसमें दिखाया था ब्लू ग्रीन कलर वाला सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। जो कॉपर क्लोराइड का जो कंडीशन, मतलब कॉपर क्लोराइड के सॉल्ट है, मतलब CuO + HCl गिव्स CuCl, तो CuCl2 जो है इसका कलर अपना जो था वो ब्लू ग्रीन था, तो अपना जो नॉर्मल जो अपना सॉल्यूशन था उसमें कलर आ रहा था कितना कलर था, ब्लू ग्रीन कलर, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन एकदम से आस्ते आस्ते ब्लू ग्रीन का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड की रिएक्शन होंगे, एक ऐसा मेटल बना है, एक ऐसा सॉल्ट बना है, एक सॉल्ट बना है जिसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन है, अब वो एक्वस में है, इसलिए ब्लू ग्रीन जो है वो पूरे एक्वस में दिखेगा आपको। अगर प्रेसिपिटेट होता तो नीचे से ब्लू ग्रीन का प्रेसिपिटेट होता था, CuCl2 प्रेसिपिटेट होता था, लेकिन ये एक्वस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में मतलब CuCl2 जो है वाटर में अच्छे से रिजॉल्व है, रिजॉल्व है, तो पूरे सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन टाइप का कलर होगा, इसको हम कह रहे हैं कि कॉपर क्लोराइड कलर होगा। हर सॉल्ट का कलर अलग है, हर सॉल्ट का कलर अलग है, अब जब मैं NaCl सॉल्ट है वो कलरलेस है, तो वैसे ही हर सॉल्ट का कलर अलग है। अगर यहाँ NaCl बन रहा हो, अगर यहाँ NaO प्लस एसिड होता है, यहाँ NaCl बन रहा तो कोई कलर नहीं आता, क्योंकि ना क्योंकि NaCl में कोई कलर नहीं, NaCl अगर होता तो कोई कलर नहीं होता पानी के अंदर, तो जरूरी में हर बार कलर चेंज भी है, लेकिन रिएक्शन होगी ये पता है, मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट होगा ही होगा, ये अपना एक रूल है। तो ये हो गया कि मुझे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो अब हम बात करते हैं आगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। इसमें लिखा है यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अपन ने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था और मतलब लाइम लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो इसमें क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई बेस था और उसकी रिएक्शन अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करी थी, सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट हुआ। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, मतलब यही जो रिएक्शन है वो क्या एसिड के सिमिलर है, तो वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है कि आपको क्या पढ़ना है, जो मैग्नेटिक ऑक्साइड होते हैं, जो मैग्नेटिक ऑक्साइड होते हैं आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, सॉरी आर एसिडिक इन नेचर, मतलब मैग्नेटिक ऑक्साइड, मतलब मेटल से जब जितने ऑक्साइड प्रेजेंट होंगे, ऊपर लिखिए आप एक ऊपर लिखिए आप समझ जाएंगे इसमें क्या कहना चाह रहा हूं। आप मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड को ले रहे हैं तो उससे क्या होगा सॉल्ट एंड वाटर, आप मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ ले रहे हैं तो क्या होगा सॉल्ट एंड वाटर, यही आप देखिए बेस प्लस एसिड ले रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट होगा, मतलब मेटल ऑक्साइड जो है, जो मेटल मेटलिक ऑक्साइड है अपना, मेटलिक ऑक्साइड जो है वो देखिए जितने भी इतने मेटलिक ऑक्साइड है ये सेम रिएक्शन है, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटलिक ऑक्साइड जो होंगे अपने नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होंगे अपने आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक इन नेचर, यहां से देख सकते हैं बेस प्लस एसिड अगर होंगे तो ही सॉल्ट एंड वाटर होते हैं। तो मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेस का काम कर रहा होगा, मेटल ऑक्साइड जो होगा वो एक बेस का काम कर रहा होगा, तभी तो बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर ही क्रिएट कर रहा है। तो मतलब इससे मतलब कंस्यूम कर देता है कि मेटलिक ऑक्साइड जो होगा वो अपना बेसिक इन नेचर होगा, वहीं नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक इन नेचर। एक तो बेसिक इन नेचर है मतलब मेटलिक ऑक्साइड, आप लिख लीजिए कर लीजिए मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर वेयर नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो ये भी सेम हो गए, ये क्या हो गए देखिए इसका नॉन मेटलिक ऑक्साइड का लेंगे, नॉन मेटलिक ऑक्साइड लेंगे एंड एंड बेस का लेंगे तो इसमें भी क्या बनेगा आपको वाटर प्लस सॉल्ट, वही लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन देखी थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड,
नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो यहाँ बात हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। CO2, CO2 इज अ नॉन नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कार्बन है ऑक्सीजन है, इसमें क्या आता है कॉन्सेंट्रेट से कार्बन है ऑक्सीजन, कार्बन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल से इसमें जो ऑक्साइड बन जाए वो क्या होता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर एक बेस था एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड था, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड यहां पर बेस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो पक्का कह सकते हैं अक्षर कह सकते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक नेचर होगा। अगला कुछ